नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद चौहान। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में दो दिवसीय वाणिज्य उत्सव की शुरुआत की। इस मौके पर औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी के साथ औद्योगिक विकास के विभाग के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उद्योग विभाग की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई उद्योग नीति लाने पर विचार मंथन कर रही है। नई उद्योग नीति इस तरह से होगी जिससे प्रदेश में उद्योग का विकास हो सके और युवाओं को रोजगार मिल सके। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में दो दिवसीय वाणिज्य उत्सव चल रहा है। इस उत्सव में उद्योग के विकास, रोजगार, निवेश के साथ नई बाजार पर विचार मंथन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कारोबारी भी शामिल हैं। तो देहरादून में दो दिवसीय वाणिज्य उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर सीएम धामी ने उत्सव की शुरुआत की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वाणिज्य महोत्सव की शुरुआत की गई है। सीएम धामी ने खुद इस कार्यक्रम की शुरुआत की। उत्तराखंड में काफी जद्दोजहद के बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा के बीच कर्मचारियों ने आंदोलन पर जाने की चेतावनी दी है। दरअसल जीएमबीएन और केएमबीएन के कर्मचारियों ने राजकीयकरण की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन छेड़ दिया है, जिससे चारधाम यात्रा बाधित हो सकती है। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कर्मचारियों से आंदोलन पर ना जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की जो भी मांग होगी सरकार उस पर जरूर उचित निर्णय लेगी। देखिए, ऐसा है कि हम सभी से अनुरोध करेंगे कि यात्रा बहुत कम समय के लिए, अब चूंकि कम समय यात्रा का बचा है और बहुत प्रयास करने के बाद सरकार ने बहुत प्रयास किया, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण से कोर्ट ने उस पर रोक लगाई हुई थी। अभी कोरोना कम हो गया है तो उसमें हम लोगों ने कोर्ट के सामने जो प्रस्ताव रखा था उन्होंने कुछ शर्तों के साथ उसको चलाने की अनुमति दी है। तो मैं सभी से कहूँगा कि अभी यात्रा चलने दीजिए, बाकी बातें हम लोग कर लेंगे, जो भी उनकी समस्याएँ होंगी उन पर बात करेंगे। वहीं पौड़ी की सभी विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी की पकड़ को मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी से सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल जिले में पार्टी का जनाधार बढ़ाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। इसी क्रम में आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने आज पौड़ी जिले के पाबौ ब्लॉक में पहुंचकर भव्य रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील भी की। इस दौरान यहां एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस कार्यकाल में पूर्व राज्य मंत्री रहे गणेश चंद्रा समेत कई लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामते हुए कर्नल कोठियाल के हाथों आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। वहीं कर्नल अजय कोठियाल ने लोगों से इस बार तीसरे विकल्प आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताने की अपील की है। तो कर्नल अजय कोठियाल आज पौड़ी पहुंचे, जहां पर उन्होंने आम आदमी पार्टी का जो चुनावी जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया है। उन्होंने लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील भी की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये कार्यक्रम आज का, जहां पर कर्नल अजय कोठियाल साहब पहुंचे, आम आदमी पार्टी के सीएम फेस हैं। इन्होंने वहां पहुंचकर लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की है। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, जगह जगह जाकर के लोगों से मिल रही है, लोगों को अपने काम करने के तरीके समझा रही है और लोग क्या चाहते हैं उन पॉइंट्स को लेकर के आ रही है, ताकि जो मैनिफेस्टो जो बनाया जाता है तो जनता की आवाज़ सुन के कैसे मैनिफेस्टो को हम प्रायोरिटी किस चीज़ को देंगे वो करा जाए। उसी उसमें आज हम यहाँ पाबौ में आए थे, पहले भी कई बार आए हैं, लेकिन आज एक अलग प्रकार का जज्बा, अलग प्रकार का जोश जो हौसला पैदा करता है हम जैसे लोगों को भी, वो भी देखने को मिला। और फिर यहाँ पे जिस प्रकार से बारिश हो रही है और उसके बाद लोग इतने दूर से आकर के बैठे हुए और आंख से आंख मिला करके देख रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें तो बताती है कि आम आदमी पार्टी को लोग काफ़ी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसी एक्सेप्टेंस को देखते हुए अभी हम जैसे घोषणाएँ कर रहे हैं, हमने इस टाइम पर करी है रोजगार की, युवाओं को 18 से 35 साल वालों को कैसे हम रोजगार प्रोवाइड करेंगे और रोजगार में कौन से आस्पेक्ट होंगे, कुछ दिनों में इनका ना कैंपेन शुरू होगा और हर जगह पे जाकर के हम रोजगार के उनके डेटा एंट्री करनी शुरू करेंगे और बताएंगे कि ज़मीन पे हम कैसे करेंगे। आम आदमी पार्टी बनाया कि हम अपने चुनाव लड़ेंगे, इसी जब लोगों ने चुनाव को 62% मतदान हुआ तो पक्ष में कि अभी आम आदमी पार्टी हमारे चुनाव लड़ना चाहिए। उसके बाद जिस दिन अजय कोठियाल जी ने यहाँ ज्वाइनिंग करी आम आदमी पार्टी में, उसके बाद तो इतना लोगों में खुशी की लहर है कि ये हम बच्चों को रोजगार मिलेगा, अब अपने बिजली पानी, अब हमारे स्वास्थ्य की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, सड़कें, क्योंकि
वो ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने युवा फाउंडेशन बनाया, युवा फाउंडेशन ने जाल बना के उन्होंने 10 से 12 हज़ार बच्चों को नौकरी दी और अभी भी जगह जगह उनके कैंपेन चल रहे हैं, कैंप बने हुए। तो ऑटोमेटिकली आप समझते हो कि एक नाम बहुत है। मैं कांग्रेस पार्टी से था और जब देखा कि उत्तराखंड के सपने जो है अनंत कोटियाल के साथ में पूरे हो सकते हैं, इसलिए मेरा मन बदला। तो एक हर एक आदमी कुछ तो पाना चाहता है। मेरे उत्तराखंड का जो सपनों का जो सपने थे लोगों के, उनके कैसे पूरे करेंगे, तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अभी तक उस स्तर पर पहुंची नहीं जनता के। लेकिन अनंत कोटियाल जी से एक जो कि भावी सीएम की तरफ बजट किए जा रहे हैं, बड़ी उम्मीदें हैं लोगों में। तो इसी वजह से आज मेरे मतलब अपने तहे दिल से आज जो है आम आदमी पार्टी। जिलाधिकारी देहरादून के निर्देश पर सभी विकासखंड में न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एसडीएम की अध्यक्षता में तमाम विभागों के अधिकारियों की तरफ से आमजन की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही उनका निस्तारण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज डोईवाला तहसील के अंतर्गत कालूवाला ग्राम पंचायत में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डोईवाला एसडीएम युक्ता मिश्रा ने आमजन की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही निस्तारण किया और बकाया समस्याओं के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। धन्यवाद करता हूं उप जिलाधिकारी महोदया का कि आज उन्होंने गांव में लोगों की समस्याओं को जानने के लिए और सुनने के लिए यहां पर कैंप लगाया और लोगों की समस्याएं भी यहां पर आई हैं, जैसे कि बिजली को लेकर है, उसमें खंभे सड़क में बीच में हटाने के लिए है और अतिक्रमण को लेकर विशेष रूप से समस्या आएगी। जो मुख्य मार्गों पर लोगों ने अतिक्रमण किया है उसकी भी समस्या लोगों ने यहाँ पर बताई है और साथ ही साथ राशन कार्ड को लेकर, पेंशन को लेकर सभी अधिकारियों ने यहाँ पर जानकारी दी है। तो यही समस्याएं हैं जो गाँव की मूल रूप से यहाँ पर आज देखने को मिली है और उसके समाधान के लिए उप जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं कि माह में 2 गांव का चयन करके वहाँ निरीक्षण किया जाए, वहाँ शिविर का आयोजन किया जाए, जनता को जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके संबंध में सूचना दी जाए और उनकी समस्याओं का सुनने के साथ साथ जो गतिमान योजनाएँ हैं उनका निरीक्षण किया जाए। तो हमने जिन विभागों को यहाँ आमंत्रित किया था उन विभाग के प्रतिनिधियों ने अपने विभाग की योजनाओं के विषय में जनता को अवगत कराया है, उनकी समस्याओं का, उनकी क्वेरीज़ को सुना है और लिखित में कुछ लोगों ने शिकायतें दी हैं जो अतिक्रमण से संबंधित हैं, इसके अलावा शौचालय निर्माण से संबंधित हैं, इसी प्रकार से विविध विषय विद्युत और जल संस्थान से संबंधित है, ब्लॉक से संबंधित है, उसके विषय में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वहीं लालकुआ कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुभाष नगर पुलिस चेक पोस्ट के पास चेकिंग के दौरान स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 62 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने NDPS के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताते चले कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रदर्शनी के अनुसार लालकुआं सहायक पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार के नेतृत्व में लालकुआं कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुभाष नगर पुलिस चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों तस्कर प्राइवेट बस से बहेड़ी के रास्ते हल्द्वानी स्मैक लेकर जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने सुभाष नगर पुलिस चेक पोस्ट से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस की तरफ से की गई पूछताछ में आरोपियों ने कुछ अन्य नाम भी बताए हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। कि कल हमारी जनपद स्तरीय जो ADTF टीम है उसे सूचना मिली थी कि 2 लोग जो है वो किच्छा से हल्द्वानी की तरफ स्मैक लेके जा रहे हैं, तो उनकी सूचना पर हमने अपनी जो थाने की टीम है ADTF की जो टीम है उसे सुभाष नगर बैरियर पे भेजा गया, एक सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान जो है एक बस थी जो मुखबिर ने बताया कि दोनों लोग इसी बस में है, बस को जब रोकने की कोशिश की गई तो 2 लोग भागे, दोनों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद जो है हमने पूरा NDPS एक्ट के प्रावधान और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं उन्हें पूरा फॉलो करते हुए जब दोनों को हमने पूछताछ की तो एक का नाम यूनुस अली, ये बहेड़ी बरेली का है, उम्र इसकी 22 साल है और दूसरा जो है रामप्रसाद निवासी सुतैया उधम सिंह नगर। तो इन दोनों की चेकिंग के दौरान जो है
यूनुस के पास से जो है 46 ग्राम स्मैक बरामद हुई और रामप्रसाद के पास से 16 ग्राम स्मैक बरामद हुई और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी लगभग 62 ग्राम है, इसकी कीमत लगभग 10 लाख से ऊपर है। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते सड़कें बाधित हैं और सड़कों पर मलबा आने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। मौसम विभाग ने एक बार फिर से अगले कई दिनों के लिए मौसम की चेतावनी जारी की है, जिसके तहत कई क्षेत्रों में येल्लो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और बताया है कि आगे लोगों को और परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और जिसके तहत कई क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा खोले जाने के बाद फर्जी तरीके से श्रद्धालु यात्रा पर आ रहे हैं। इन यात्रियों को पकड़कर पुलिस अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। यात्री फर्जी ई पास बनाकर यात्रा पर आ रहे हैं। सोनप्रयाग में चेकिंग के दौरान पुलिस ने ऐसे 18 यात्रियों को पकड़ा है और उन पर कार्रवाई करते हुए उनको वापस लौटा दिया। दरअसल हाईकोर्ट की ओर से चारधाम यात्रा पर रोक हटाए जाने के साथ ही कोविड नियमों के तहत यात्रा का संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। हर दिन देश के कई राज्यों से भगवान केदारनाथ के दरबार पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इन श्रद्धालुओं के पास ई पास होने पर ही इन्हें आगे भेजा जा रहा है। तिथि के अनुसार ही श्रद्धालु केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं, मगर कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो ई पास को फर्जी तरीके से बनाकर यात्रा पर आ रहे हैं। ऐसे ही 18 यात्रियों की तरफ से गलत ई पास दिखाने पर पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सोनप्रयाग से उनको वापस लौटा दिया है। तो चेकिंग के दौरान 18 यात्री पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि फर्जी तरीके से चारधाम यात्रा पर लोग आ रहे हैं, इन्हीं को पकड़ने के लिए चेकिंग कराई गई और चेकिंग के दौरान आपको बता दें कि 18 यात्री पकड़े गए हैं जो फर्जी तरीके से ई पास बनाकर पहुंच रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से आपको बता दें कि एक ई पास बनाकर ही आप चारधाम यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अब लोगों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। अब लोग फर्जी तरीके से ई पास बनाकर चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं और ऐसे में जब पुलिस ने चेकिंग की तो चेकिंग के दौरान ऐसे 18 लोगों को पकड़ा गया है जो फर्जी ई पास बनाकर वहां पहुंच रहे थे। ऋषिकेश के जीवनी माई रोड स्थित एक प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती गर्भवती महिला की मौत हो गई। मामले में मृतक महिला के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले में सरकारी अस्पताल की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें मामले में जांच रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुम्हारवाड़ा निवासी एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए जीवनी माई रोड स्थित एक प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर ने महिला के इलाज में लापरवाही बरती, जहां महिला का ऑपरेशन किया गया पर ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद भी डॉक्टरों ने महिला को उचित उपचार नहीं दिया और हालत ज्यादा बिगड़ने पर महिला को जॉली ग्रांट स्थित हिमालयन अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने महिला की हालत नाजुक बताते हुए उसे भर्ती कर लिया पर कुछ ही घंटों में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं मामले में अब परिजन प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए हम लोग तो यहाँ पे सरकारी अस्पताल से आए हैं, मैं मैनेजर हूँ वहाँ पे, डॉक्टर गौरव मेरा नाम है। तो हम लोग यहाँ पे ये चेक करने आते हैं कहीं भी हमारे आसपास के इलाके में कोई माता की प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान या फिर कैसे भी उनकी उस टाइम पर मौत हुई है उसकी हम जानकारी लेने जाते हैं, जिससे कि हमें कारणों का पता चले किस कारण से उनकी मौत हुई है ना, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे भारत सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि किन कारणों से ये मौतें हो रही हैं, जो कि हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी और कारणों से, घर के कारणों से कुछ चीज़ें हुई हैं, तो वो चीज़ हम देखने आते हैं और हम उसमें नोट करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं आगे। तो ये हमारी सरकार में रिपोर्ट जाती है जिससे कि हमें जानकारी मिलती है किन किन कारणों से ये मौत हुई, तो हमने अभी यहाँ पर जानकारी ले ली है, वो हमने जानकारी नोट कर ली है, उसकी रिपोर्ट रेगुलर हमारे सही माध्यम से आगे फॉरवर्ड। डॉक्टर ने यूँ कहा कि मतलब जो इनका खतरा है वो वहीं से हो रखा, इनके फेफड़ों में वो कहते खून के छींटे पड़ गए हैं, इसलिए मैंने बहुत ही मतलब गुंजाइश से बचने की। तो कितनी देर में वहाँ पे डेथ हो गई थी? डेथ इनकी सुबह 5:30 बजे हो गई थी।
तो यहाँ से लेके कब गए थे? हम उसी दिन रेफर कर दिया था उन्होंने कि हम यहाँ से 2 बजे चले गए थे दिन में। हाँ, 2 बजे से लेकर चले गए थे, हम वहाँ पहुँच गए थे 1 घंटे में। 3 बजे एडमिट किया था हमने, फिर 3 बजे का फिर हमने फॉर्म जो भी भरना था हमें साइन करने थे वहाँ करा, फिर डॉक्टर ने हमें बता दिया कि कम मुश्किल बचेगी। उनकी ये हुई कि हम इनके यहाँ त्रिवेदी हॉस्पिटल में हमने इलाज कराया उसका। कौन से डॉक्टर? वो गीतिका डॉक्टर हैं, तो उनके यहाँ कराया मैंने। उनसे बोला था, पूछा था, एक बार मैं गई थी ना उनके हॉस्पिटल में, तो उन्होंने मुझे 3 दिन की दवाई दी थी कि इससे दर्द बढ़ेंगे ले जाओ, फिर उसके दर्द बढ़े मैं लेगी, तो मैंने उनसे बोला, उन्होंने बहुत लापरवाही करी, कोई नर्स आई नहीं रही थी, बस एक बार चेकअप करा उसे छोड़ दिया। मैंने उनसे बोला कि अगर आप लोगों के बस का नहीं है तो मुझे बताओ मैं कहीं और ले जाऊँ कि नहीं, कि नहीं ले जाना कहीं भी, ये हमारा केस है, हमारे यहाँ यहीं ऑपरेशन होगा। और फिर उन्होंने मेरे से लिखवा के और ले गए ऑपरेशन कराए। उन्होंने कहा था कि साइन करो, बच्चे ने पेट में लेटरिंग कर दिया, माँ की जान को खतरा है। तो मैंने बोला कि जान को वो मेरी गारंटी है ना, ऑपरेशन तो आम बात है। और जब उन्होंने मैंने बोला भी कि हम दूसरी जगह ले जाएं, आप मना दूसरी जगह मेरा के हरिद्वार की लक्सर तहसील में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी लक्सर वैभव गुप्ता ने लोगों की समस्याएं सुनी। बता दें इस दौरान करीब 50 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 40 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि बकाया शिकायतों के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिया गया है। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने कहा कि जो संबंधित विभागीय अधिकारी तहसील दिवस में नहीं पहुंचे हैं उनकी शिकायत जिलाधिकारी से की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ है उनकी तत्काल जांच कर उनका निस्तारण करें और अपनी रिपोर्ट कार्यालय में पेश करें। इस दौरान उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और समय सीमा के अंदर मिली शिकायतों का समाधान न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता पहुंचे। उन्होंने लोगों की शिकायतों को सुना और साथ ही अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो अधिकारी शिकायतों को अनसुना करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हरिद्वार की तस्वीरें हैं जहां पर उप जिलाधिकारी पहुंचे और उन्होंने तमाम शिकायतों को सुना। उन्होंने लोग जो वहां पर पहुंचे थे अपनी शिकायत लेकर, उनकी शिकायतों को सुना है। इसके साथ ही अधिकारियों को पर भी उन्होंने सख्त रवैया दिखाते हुए कहा है कि जो भी संबंधित अधिकारी, विभागीय अधिकारी जो भी होंगे, अगर वो शिकायतों को अनसुना करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तहसील दिवस में करीब 50 के करीब हमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 40 के करीब का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। बाकी की शिकायतें जो है वो संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई को सूचित कर दी जाएंगी। जिन विभागों के सक्षम अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी को आवश्यक सूचित कर दी जाएगी। और इसके अलावा सभी विभागों से मेरा अनुरोध है कि जो भी यहाँ पर जो भी शिकायतें यहाँ पर आई हैं, जो भी उनको भेजी जाएंगी, उसको तत्काल निस्तारित करके विलंबतम 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर अपनी याचिका भेजेंगे। साथ ही ये भी अनुरोध रहेगा सभी भागों से कि जो भी शिकायतें आती हैं उसमें संबंधित शिकायतकर्ता को भी अवगत करा दिया करें और मौके पर भी कोई जांच है तो उसमें भी सूचना देकर उनको वहाँ बुला लिया जाए, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति ना रहे और जो विभाग और जनता के बीच एक समन्वय भी बना रहे। मैं रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग त्रियुगी नारायण मोटरमार्ग पर उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जिस वक्त मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं पिकअप के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हादसे में करीब 10 मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हादसे की तस्वीरें, जहां पर मजदूरों से भरा पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं जहां पर दुर्घटना के बाद SDRF की टीम मौके पर पहुंची और उसने रेस्क्यू कर वहां लोगों को पहले तो वाहन से बाहर निकाला, इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस हादसे में 10 मजदूर जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। हरिद्वार में श्राद्ध पक्ष के दूसरे दिन सेक्टर 2 बैरियर के पास हजारीबाग स्थित महावीर दिगंबर जैन मंदिर में श्री शांतिनाथ विधान का आयोजन किया गया। इस दौरान जैन समाज के लोगों ने मंदिर में अभिषेक कर विश्व कल्याण की कामना की।
वहीं इस दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता ओंकार जैन ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और वंशजों के जीवन में शुभ फल देते हैं। मनुष्य को अपने कल्याण के लिए श्राद्ध पक्ष के दौरान श्रद्धा भाव से पितरों को याद करते हुए श्राद्ध कर्म और तर्पण अवश्य करना चाहिए। महावीर दिगंबर जैन मंदिर हजारीबाग नियर सेक्टर 2 बैरियर में एक बहुत विशाल शांति नाथ विधान का कार्यक्रम किया गया, जिसमें जैन समाज से अनेक सैकड़ों महिलाएं सम्मिलित हुई हैं। और ये मेन जो हमारा अभिप्राय था कि जो शांतिनाथ विधान हम लोग कर रहे हैं, ये एक देश की शांति के लिए और कोरोना के शांति के लिए मेन हमारा जो कार्यक्रम था, इसी को देख के हुआ था कि हम एक विशाल शांतिनाथ विधान यज्ञ हवन करें, और वो हमने किया दिगंबर जैन, महावीर दिगंबर जैन मंदिर हजारीबाग में। वहीं नैनीताल के डीएसए मैदान में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आगामी 24 सितंबर से चौखुटिया रानीखेत स्थित डोगरा बटालियन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। वहीं तैयारियों की जानकारी देने के लिए मीडिया से रूबरू हुए डोगरा बटालियन के अधिकारियों ने बताया कि 24 सितंबर से होने वाले महोत्सव का उद्देश्य स्वस्थ व समृद्ध भारत का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। महोत्सव के दौरान ब्रिगेड के जवानों द्वारा वीर सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर सम्मानित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस मुहिम का उद्देश्य प्रगतिशील भारत वर्ष के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति व उपलब्धियों से लोगों को परिचित कराना है। बता दें, यह समारोह कुमाऊं क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में 5 सप्ताह तक मनाया जाएगा। एक बार फिर चमोली जिले के पिंडर घाटी बगाड़ में मां नंदा भगवती अपने ननिहाल देवराडा सिद्ध पीठ में पधारने के लिए आ गई, जिसे यहां चारों तरफ खुशियां लौट आई हैं। बताते चले कि 6 महीने के प्रवास के बाद 31 अगस्त को मां नंदा भगवती कुरुण सिद्ध पीठ से अपने ससुराल कैलाश के लिए चल पड़ी थी और नंदा सप्तमी के दिन वेदनी कुंड में सैकड़ों भक्तों की पूजा अर्चना के बाद मां नंदा को उनके ससुराल कैलाश के लिए अश्रुपूरित विदाई की गई। और आज मां नंदा के ननिहाल के देवराडा सिद्ध पीठ मंदिर में अगले 6 महीनों के प्रवास के लिए विधि विधान के साथ मां नंदा भगवती को विराजमान कर दिया गया है। चमोली में जिला मुख्यालय गोपेश्वर के पास मंडल घाटी में सती शिरोमणि माता अनसुया रथ डोली का अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर सती शिरोमणि माता अनसुया मंदिर में विशेष पूजा अर्चनाएं आयोजित हुई। मंडल घाटी के मंडल गांव में मां अनसुया रथ डोली मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं ने माता अनसुया का दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। मान्यता है कि सती शिरोमणि माता अनसुया ने त्रिदेव ब्रह्म, विष्णु और महेश को बालक रूप में अन्न प्राशन करवाया था। वर्तमान समय में भी सभी मंडल घाटी के लोग इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। अनसुया आज भगवती अनसुया देवी के प्रांगण में चतुर्दशी के शुभ अवसर पर भगवती का जो मसलटू जो पूजन अर्चन होता है, जो हमारी लोग पारंपरिक भाषा है मसलटू, उसमें ऐसी मान्यता है हमारी पूर्वजों से लेकर आती रही है कि भगवती जगत जननी अनसुया देवी ने त्रिदेवों को बालक बनाया था और इस दिन उनका अन्न प्राशन कराया था। तो लोक मान्यता के अनुसार सभी ग्रामीण और 8 गांवों का जो ये मंदिर है रथडोली मंदिर मंडल में, उसमें स्थानीय लोगों के द्वारा जो लोकल उनकी ककड़ी मुंगरी और बुखड़ा, हमारी जो पारंपरिक भाषा है चूड़ा कहते हैं जिसको, तो इस सब का भोग लगता है। भगवती की पूजा अर्चना होती है और पहिया पाती में भगवती को सजाया जाता है। भगवती केवल कुछ ही मौकों पर अपने गर्भगृह से बाहर निकलती है। वो एक मौका ये भी है कि जिस दिन मसौतु होता है तो उस दिन ही भगवती पहिया पाती पे विराजमान होती है और फिर अपने गर्भगृह में चली जाती है। और इसके उपरांत अनसुया जो मेला होता है दत्तात्रेय जयंती पे, और उस समय ही भगवती अन्य कार्यक्रमों में बाहर निकलती है और सभी को आशीर्वाद देते हुए पुनः अपने गर्भगृह में प्रवेश करती है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।